और भाई क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हो सभी। अब देखो ये जो वीडियो देखने वाले हो ना, वो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई कान में ईयरफोन डाल लो एंड बैठ जाओ चिल, क्योंकि यार आज हमने एक बहुत ही अच्छे वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है फ्री फायर बैन के ऊपर। मतलब भाई मेरे को पता है कि मैं बहुत बड़ा लेट हो गया हूं। लेट नहीं, मेरे को इसके ऊपर वीडियो डालनी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे फ्री फायर को कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी यार हमारे फ्री फायर में कम्युनिटी के जो यूट्यूबर है, उनने तो भाई बिना अनाउंसमेंट के ही बारीक मतलब 1000-2000 वीडियो डाली थी। मतलब अभी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि फ्री फायर के साथ हुआ क्या पता अब हो गया हो, मुझे नहीं पता। बट स्टिल उससे पहले ही इतनी सारी वीडियो बना दी जिसके अंदर वहाँ पे बता दिया गया है कि भाई फ्री फायर में ये हो गया फलाना डिमकाना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई फ्री फायर ने तो मोदी जी ने बंद कर दिया। अरे मोदी जी नहीं चाहते कि भाई तू फ्री फायर खेले, क्या होगा हमारी जो फ्री फायर आईडी उसका, जिसमें से इतने सारे डायमंड्स लगाए थे, इतने सारे पैसे लगाए थे, आईडी उसका क्या होगा। I don't know. मन में कंफ्यूज है ना। अब चिंता मत करो, ये डाउट्स मैं आज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। अब हम कुछ ऐसे थ्योरेटिकली बात करेंगे, ऐसी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपको भी कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देगी। क्या भाई ये सच में फ्री फायर बैन हो गया या फिर कुछ ऐसा चीज हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आइए इस वीडियो को साथ में देखते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। साथ में पता लगाते हैं कि भाई ये फ्री फायर चाइना का ऐप है सच में, या फिर यार ये आखिर हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। जा टाइम वेस्ट ही करते, क्या कहता हूँ हमेशा। उससे पहले देखो, अगर तुम मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हो ना, या तुमने अभी मेरे चैनल पर एंट्री मारी है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जा टाइम नहीं वेस्ट करते, बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ। अरे ताओ तो वो डायलॉग भूल गया। अरे क्या कहता हूँ हमेशा बिना किसी बच्चों के करते हैं म्यूजिक। चला जा भोसड़ी। तो कैसे आप लोग लोग तब तो रोता 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 लोग लोग तब तो रोता 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 आइएगा इस बात करते हैं यहाँ पे फ्री फायर बैन के चक्कर में। मतलब ये जो बैन का जो सीन चल रहा है ना, आखिर उस पर हम गौर से जरा फोकस करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख लोगे, अखंड से अखंड बड़े वाले यूट्यूबर को देख लिया होगा जिन्होंने ये टक वीडियो डाल दी कि फ्री फायर बैन हो गया, माइनक्राफ्ट से शिफ्ट हो रहा है। कोई बोल रहे भाई टॉपिक बता दो। जी हाँ, उन बांदों की बात कर रहा हूं जो आज के टॉप चैनल चल रहे हैं, और उनने मतलब जिस चीज से उनने अपना चैनल खड़ा किया था, आज उसके चक्कर में उसको बैन करने के बाद गेम शिफ्ट भी करने लग गए। मतलब अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और यहाँ पे शिफ्ट भी हो रहे हैं। बस ठीक, आज हम पूरी अच्छी तरीके से बात करेंगे। देखो अगर आप थोड़े नलबे नहीं हो या फिर 9 साल के ऑडियंस नहीं हो, तो आप में थोड़ी बहुत कॉमन सेंस वाली बात तो होनी चाहिए, फिर कॉमन सेंस तो थोड़ा होना ही चाहिए कि आज ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब फ्री फायर बैन। अगर तुम सोच रहे हो गाइस कि भाई फ्री फायर बैन कैसे हो सकता, नहीं कैसे हो सकता है, जब फ्री फायर बैन होना ही था तो वो तो पबजी के साथ हो जाता भाई। अगर चाइनीज का ऐप होता तो होता नहीं होता बता, पर उस टाइम फ्री फायर जिंदा था। एक पहले कॉमन सेंस की बात, मतलब मैं कभी खुद सोचता हूँ भाई तो कितना ज़्यादा सोचता है, कितना इंटेलिजेंट है तो। बट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बंदे ये बोलते हैं कि भाई रो रहे हैं भाई चैट में, रो रहे हैं भाई मेरे कि भैया फ्री फायर बैन हो गया, आईडी पे पैसा लगाए थे, ये हो गया फलाना टीम का। अरे भाई कॉमन सेंस तो लगा लो थोड़ा। अगर फ्री फायर बैन होना होता, अगर फ्री फायर को अच्छी तरीके से बैन होता, तो वो तो पबजी के साथ भी बैन हो जाता उस टाइम ही, जिस टाइम पबजी बैन हुआ था चाइनीज के ऐप बोल के कि चाइनीज को फंड दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो उस टाइम ही बैन होता। पर उस टाइम बैन हुआ नहीं हुआ, ठीक है पहला पॉइंट। और मतलब आप समझ लो चाइनीज ऐप है ही नहीं, पहली बात तो जो मैं आगे इस बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरी बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे, भैया प्ले स्टोर से गायब हो गया, ये प्ले स्टोर का चक्कर क्या है भाई ये। मतलब मैं भी देखा भाई, मतलब मैंने सुना था ना जबकि भाई ये लाइक ऐप स्टोर से उड़ गया, मतलब जो आईफोन के जो स्टोर है उसमें से उड़ गया, पहले उसमें से उड़ा फिर बाद में प्ले स्टोर में से उड़ा। मैंने देखा कि फ्री फायर ही नहीं है, बट हमारे में तो फ्री फायर चल रहा है, हम तो फ्री फायर खेल रहे हैं आईफोन के अंदर, हम तो अपने मोबाइल के अंदर पीसी के अंदर खेल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ प्ले स्टोर से भी उड़ गया है। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि देखो यार, फ्री फायर अगर उड़ना ही चाहता होता, अगर फ्री फायर बैन ही होना चाहता तो फ्री फायर मैक्स भी नहीं होता। ऑफकोर्स फ्री फायर मैक्स नहीं होता। यहाँ पे कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स भी आती है। अब मैं पहले बैन के ऊपर की बात कर रहा हूँ, जो फलाना डिमकाना जो अफवाहें फैल रही है उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, फिर आपको एक वो भी बताऊंगा एक कि फ्री फायर आएगा नहीं आएगा वापस, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। अगर फ्री फायर उड़ना होता तो ऑफकोर्स फ्री फायर मैक्स भी जाता है, इस कॉमन सेंस की बात है, आप थोड़ा तो लगा ही सकते हो, ठीक है ना। तो फ्री फायर मैक्स नहीं उड़ा, फ्री फायर उड़ गया। ऑफकोर्स कुछ चेंजेस जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे केस हो गया था, पबजी वालों ने कर दिया कॉपी वगैरह। अरे भाई पबजी वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, में ज़्यादा गेम को हिट नहीं पहलाऊंगा, बट एक स्टिल मेरे को बात बताओ, ग्लूबॉल किसने लेके आए तुम्हारे गेम के अंदर? हमने लेके आए। पहले फ्री फायर में ग्लूबॉल आई थी, पहले जिपलाइन फ्री फायर के अंदर ही आई थी,
पबजी के अंदर जिपलाइन कैसे आ गई, पबजी के अंदर ग्लूगल कैसे आ गई, और केस तुम हम पे कर रहे हो। वैसे एक बात तो है कि भाई फ्री फायर वाला उनको फिर से केस कर, उनके ऊपर भी केस कर सकती थी इस चीज़ के बारे में, बट स्टिल फ्री फायर ने यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किया है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगा, बस थोड़ी बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कि देखो कॉपी कॉपी के चक्कर में जो जो गेम है ना, ये मतलब जो केस हुआ है इसके ऊपर से गेम को जरा अंडरग्राउंड कर दिया, फिर गेम को हटा दिया गया है क्योंकि उनको थोड़ा सा वक्त मिल जाए उसमें अंदर थोड़ा सा वो चेंजेस करके, जो लग रहा है पबजी वालों को कि भाई वो कॉपी कर रहे हैं करके, तो उस सॉरी वो उसको चेंज करके फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा फ्री फायर। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, फ्री फायर बैन नहीं हुआ है और फ्री फायर कोई चाइनीज ऐप नहीं है। कॉमन सेंस है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो भाई कि भाई अगर बैन होना ही होता, पता है नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे चाइनीज ऐप बैन किए थे, उसमें से पबजी भी था, अगर जब उस टाइम फ्री फायर को नहीं देखा होगा भाई, उस टाइम फ्री फायर को बैन कर दिया होता और फ्री फायर तब भी खेल लेते हम, है ना, सही बात, कॉमन सेंस है नहीं है। तो बस यही थी स्टिल गाइस, तो फ्री फायर बैन नहीं होने वाला है, बट ये समझ लो कि अगर प्ले स्टोर उसमें से जाया है तो कुछ दिन के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो वन मंथ के लिए बैन कर दिया या फिर सस्पेंड कर दिया गया फ्री फायर को, इस तरह की मेरे को थोड़ी न्यूज़ आई है, बट वो कितनी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है पता नहीं मेरे को, बट स्टिल ये मेरे को सुनाई दिया है कि वन मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया गया फ्री फायर को प्ले स्टोर एंड यहाँ से ऐप स्टोर से, बट मुझे इसके बारे में पता नहीं, बट हाँ हमें आई थिंक वन मंथ तक के लिए हमें देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद हमें चेंजेस जो फ्री फायर के अंदर उनको जो लग रहा है कॉपी वगैरह की गई है और वो किया गया उसको चेंजेस करके हमें फिर से फ्री फायर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, आप बिल्कुल फ्री रहिए कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो जितनी मैंने बात बताई है वह मैंने कहीं ना कहीं रिसर्च करके मेरे को पता चला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एंड स्टिल फ्री फायर हम खेलते रहेंगे और कोई नहीं कहीं नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो एक मंथ के लिए जाएगा, एक मंथ के लिए जाएगा, फिर पता नहीं कितने मंथ के लिए जाएगा, बस जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ से आप दिमाग से निकाल दो कि फ्री फायर चाइनीज ऐप है, क्योंकि हमें फ्री फायर वालों को जो पेमेंट्स मिलती है वो भी सिंगापुर से ही मिलती है, नॉट अप फ्रॉम चाइना इन फलाना ढिमकाना, तो आप ये बात बता दो कि चाइना का ऐप है, मतलब चाइना का गेम है, क्योंकि यार अगर बैन होना होता तो मैंने आपको कितने बता दिया कि उस टाइम ही बैन हो जाता है ये। तो या गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी, नॉलेज लगी होगी, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस वाली वीडियो लगी, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना मेरे भाइयों, और इससे और अच्छी तरीके से डिटेल में या फिर आप एकदम परफेक्ट तरीके से समझना चाहते हो कि आखिर हुआ क्या है फ्री फायर के साथ, क्यों बैन हो गया है, या फिर क्यों 35 या 55 ऐप में से फ्री फायर का भी नाम लिया है, तो आप एक बार स्काई लॉर्ड की वीडियो देख लेना, स्काई लॉर्ड ने वहाँ पे भी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि भाई किस तरह क्या हुआ है। ठीक है, तो चलो यार मैं मिलता आप लोगों को ऐसी वीडियो के साथ, जब तक टाटा बाय, ठीक मिलते रहेंगे आप लोगों को ऐसी वीडियो के साथ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, चलो यार टाटा।